খামোশ খামোশ খামোশিয়া বস এক শব্দ নেই, খামোশি তো হার এক ইনসান কি দিল কি ধরকান হ্যাঁ। খামোশি এক এসি চিজ হ্যাঁ যাহা পর তুম সোচ কে ভি কুছ সোচ নেই সকতে, যাহা পর তুম রহ কে ভি কুছ কর নেই সকতে অর কুছ হোকে ভি নেই হোগা। ऐसा ही एक लफ्ज़ है खामोशी। हर किसी का मतलब, ये जो खामोशी का जो मतलब होता है हर किसी के पास अलग अलग मिलता है, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी अलग अलग होता है। ज़िंदगी एक ऐसी पहलू है जिसे तुम निभाओगे तो निभेगा नहीं, जिसे तुम कटाओगे तो कटेगा भी नहीं, जिसे तुम गुजारोगे तो गुजरेगा भी नहीं। ज़िंदगी तो एक ऐसी पहलू है जिसमें तुम बस दिन ब दिन फंसते चले जाओगे, कभी ऐसा तो कभी वैसा, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी इधर तो कभी उधर। इस पहलू में एक ही अंतर है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें जो लड़ाई है वो जारी रखनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ खामोशी एक लफ्ज़ नहीं, खामोशी बस एक वर्ड नहीं, खामोशी तो हर दिल की धड़कन है, खामोशी हर दिल की धड़कन है। खामोशी एक ऐसी लफ्ज़ है कि हर बेजुबान को जुबा दे देती है, हर ना बोलने वाले को बोलना सिखा देती है। मैं अक्सर ऐसे भी लोग देखा कि वो लोग बोल के भी ना कुछ बोल ना पाए, सुन के भी ना कुछ सुन ना पाए, और बहुत कुछ कह के भी ना कुछ समझा नहीं पाए। और अक्सर ऐसे लोग इस जिंदगी वाले दलदल में फंसते चले जाते हैं। फंसते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो ना समझा पाते अपने दर्द और ना कह पाते, लेकिन दिल में बस एक खामोश दर्द लेके घूमता फिरता है। मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि जियो अपनी ज़िंदगी, लेकिन छीन के जीना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़माना इतना बुरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम देखो ना कि सलमान खान भी अभी सेटल नहीं हुआ, ये तो बस तुम्हारी जो शब्द है उस शब्द में वो सेटल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन सेटल का मतलब क्या है, ज़िंदगी में सेट हो जाना इसका मतलब क्या है? हर किसी की तरह तुम्हारा सेट होना एक है, उसका सेट होना एक है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर किसी का जो सेट होना है ना, किसी का पैसा है, किसी का कोई सुकून भरा ज़िंदगी है, किसी का बस घूमना है, ट्रैवलिंग करना है, एक्सप्लोर करना है। तो ये जो काम सब लोग करते हैं कि सेट होने के लिए, सेट सभी लोग हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज में। तुम देखोगे कि वो आदमी सेट नहीं है, लेकिन वो आदमी अपने अंदाज में सेट है। तुम भी अपने अंदाज में सेट हो जाओ, क्योंकि ये लाइफ का जो पहलू है वो कभी सुलझेगा नहीं, और अक्सर ना सुलझने वाली कहानी तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। तुम जब 10 साल के थे तब जो सिचुएशन आती थी तुम्हारी लाइफ में, वो सिचुएशन तुम एक तरीके से समझते थे। ये सेम सिचुएशन तुम जब 20 साल के होंगे तब एक तरीके से समझोगे, सेम सिचुएशन जब तुम 30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तब तुम ये
किसी और तरीके से समझोगे। तो सिचुएशन तो एक ही है बॉस, लेकिन समझना अलग अलग तरीक़ों में है, समझना अलग अलग ज़िंदगी में है, समझना अलग अलग जो समय के साथ बदलते गए, जो तुम हो, जो समय के साथ दिन ब दिन बड़ा होता गया, समझ बढ़ती गई, तो ये समझना भी चेंज होता गया। तो ये समझना भी जो है, हर एक आंसर, जो एक शायर ने बोला था कि हर एक आंसर सही होता है, किसी का आंसर गलत नहीं होता इस ज़िंदगी में, और इस ज़िंदगी की जो पहलू है उस पहलू में हर किसी का आंसर सही होता है। वो उसकी जगह से जो आंसर दे रहा है वो महसूस करके, वो आंसर वो एक्सपीरियंस करके तजुर्बे से दे रहा है, तो वो भी आंसर उसकी तरफ से सही है और तुम्हारा आंसर भी तुम्हारी तरफ से सही है। तो लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जियो खुल के और जीने भी दो खुल के, समझने वगैरह समझ जाएंगे।